खंबागढ़ी टू ऑल माई व्यूअर्स, स्पेशली सब्सक्राइबर्स, आज है हम वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया, द ज्वेल ऑफ जयपुर. वेलकम टू रामबाग पैलेस एंड रीलिव द रॉयल प्रिंसली एरा विद मी. जैसे आप ये डोर खोलते हो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये हिस्टोरिकल स्वीट है. जो वज़न है डोर का वो बहुत कुछ बता देता है. मैं रूम की बात करूँ अगर तो एज सून एज यू इंटर जो डेकोर है वही आपको बहुत इंप्रेस कर देता है. हिस्टोरिकल स्वीट है तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही हिस्टोरिकल है. सेकेंडली अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास दो काउचेज हैं. सामने आपके पास इसी पैलेस से रिलेटेड एक हिस्टोरिकल पेंटिंग लगी हुई है. ये आपको काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा होगा. पिलर मार्बल की फिनिश दी हुई है इस पर एंड यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है. इसके अलावा नीचे आपको फ्लोरिंग बार बार इम्प्रेस कर रही होगी बिकॉज ये कम्प्लीटली कारपेट फ्लोरिंग है. कम्प्लीट कारपेट फ्लोरिंग है और मुझे ना बहुत ज़्यादा इसमें डिवाइडेड सेक्शंस भी नहीं दिख रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ अ वन फुल कारपेट. इसके अलावा इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी फैंसी सा लग रहा होगा. दिस इज़ अ ट्रंक. काफ़ी अच्छी कलाकारी इसके ऊपर भी की हुई है. खाली है, कुछ है नहीं. फॉर अ चेंज आप इसमें कपड़े रख लीजिएगा. यह हमारा टी एंड कॉफ़ी सेक्शन है. जो टीज हैं वो टी पॉट्स हैं ताज के स्पेशलाइज्ड. इसके अलावा मिल्क, हनी, वाटर बॉटल, इलेक्ट्रिक केटल एंड कप्स. नीचे कुछ है नहीं. दिस इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. ये नाइट स्टैंड ठीक बेड के बिसाइड्स में. नीचे यहाँ पे ड्रॉर्स हैं. इस पर टॉर्च लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे इन्होंने एक टॉर्च दे रखी है. नीचे के ड्रॉर्स एम्प्टी हैं. यहाँ पे हमारे पास जब दो बैंगल्स भी दिए हुए हैं ये बेड पे प्लेस थे बट ये मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं. और एक मैसेज भी दिया हुआ है रामबाग पैलेस से रिलेटेड. टेलीफोन है हमारे पास. जो मेन हाईलाइट है वो है बेड. एक रॉयल बेड और कितना ब्यूटीफुल वर्क किया हुआ है वो भी आपको दिख रहा होगा जो कि इसको एक बहुत ही रॉयल प्लस विंटेज लुक देता है. बहुत ही कंफर्टेबल बेड है एंड आपको ये पुराने एरा में ज़रूर लेकर जाएगा. बेड के बाद हम यहाँ पे आते हैं. ये हमारा ऑफिस टेबल है. एक नाइट स्टैंड और है बट उस पर कुछ भी नहीं है इसलिए इट्स ओके. ड्रॉज खाली हैं. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी ऑफिस टेबल है. बहुत लग्जरी फील के साथ साथ बहुत अच्छी क्राफ्टिंग भी इस पर की हुई है. ग्रेनाइट की स्लैब लगाई हुई है ऊपर. नोटपैड आपको दिया हुआ है विद अ पेंसिल. इसके अलावा टेबल लैम्प वेरी ब्यूटीफुल. एक टेलीफोन एंड यहाँ पे अगेन पुरानी हिस्टोरिकल सेम टेक्सचर की पेंटिंग्स लगाई हुई हैं. मैं आपको ये टेबल एरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ. दिस इज़ सॉर्ट ऑफ आर डाइनिंग टेबल या फिर आप कह सकते हो सीटिंग टेबल. यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल QR कोड्स लगा रखे हैं फॉर इन रूम डाइनिंग या फिर प्राइवेट बार मेन्यू सर्विसेज. सेफ्टी एंड हाइजीन के लिए क्या कर रहे हैं या फिर जो एमिनिटीज़ हैं जिनको आप रीफिल करा सकते हो उनके लिए क्या क्या ऑफर करते हैं उसके लिए.
ये फेस मास्क इन्होंने दे रखे हैं, हाईलाइट है, काफ़ी अच्छी चीज़ है फॉर अ कंप्लीट पर्सनल इन हाउस ब्रांडिंग के लिए। और ये अल्कोहल वाइप्स हैं, पेंटिंग काफ़ी ब्यूटीफुल लगाई हुई है और नीचे ड्रॉर्स भी खाली हैं। टेलीविज़न कैबिनेट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, सिंपल एक टेलीविज़न है एंड नीचे मिनी बार सेक्शन है विच इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। पहले ये लोडेड रहता था विद अप्रॉक्स 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लूजन्स, बट अभी के लिए कम्प्लीटली क्लोज्ड है। टेलीविज़न कैबिनेट के बाद ये एरिया बचा हुआ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ जस्ट अ सीटिंग स्पेस, बहुत ही कम्फर्टेबल है एंड दो चेयर्स दी हुई हैं आपके, आपको दो चेयर्स दिए हैं आपको यहाँ पे। इसके अलावा एक टेबल, साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स एंड कटलरी फॉर द सेम। एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब मैं आर्किटेक्चर की बात करता हूँ तो बीच में आपको कोई पिलर नहीं दिख रहा होगा, एक कंप्लीट सिंगल आर्च पे ही पूरा ये रूम टिका हुआ है। इसके अलावा मैं आपको झूमर भी दिखा दूँगा लाइट जला के, सो दैट आपको पता चले कि जब आपको फर्स्ट आई व्यू मिलता है तो कितना ब्यूटीफुल लगता है ये शैंडलियर। अब मैं आपको वार्डरोब, ड्रेसिंग एरिया और उसके साइड से जो बाथरूम जाता है वो सेक्शन पूरा दिखाता हूँ। साइड में हमारा लगेज एरिया भी है, लेट्स कम इनसाइड। जैसे आप एंट्री लेते हो आपको लुक एंड फील से समझ में आ जाता है कि कितना बेटर और स्पेशियस बनाया इस एरिया को। यहाँ पे हमारा लगेज सेक्शन है, वेरी एप्ट फॉर अ फैमिली ऑफ फोर। इनफैक्ट ये हमारा वार्डरोब सेक्शन है, ट्यूबलाइट लगी है। इधर से स्टार्ट करता हूँ मैं, ये नॉर्मल हैंगर्स हैं हमारे जैसे होते हैं। इसके अलावा ये टाई हैंगर है, टाइज अपने हिसाब से प्लेस कर लीजिए, कम देखने को मिलता है। और ये लग्जरी क्लोथिंग के लिए हैंगर्स, थोड़ा डेलिकेट है उसके ऊपर ट्यूबलाइट इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। नीचे के एरिया में बात करूँ तो ये शू स्पूनर है हमारा, ये क्लोथ ब्रश, नीचे हमारे पास शू शाइनर है और ये अम्ब्रेला, काफ़ी लग्जरी अम्ब्रेला है ये। आई डोंट नो कि ये फॉर सेल है कि नहीं, बट आई लाइक इट वेरी मच। इसके अलावा एक और सेक्शन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ड्राई क्लीनिंग प्रेसिंग, आई मीन लॉन्ड्री के लिए आपको लॉन्ड्री बैग और ड्राई क्लीनिंग के लिए अलग अलग बैग्स दे रखे हैं और ये यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री के। इसके अलावा ये हमारी सेफ है, इसमें एक ज्वेलरी बॉक्स है एंड अगेन स्टोरेज स्पेस ऊपर और ये खाली ड्रॉर नीचे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। नाउ दिस इज द ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी प्लेस नहीं किया है सिवाय हेयर ड्रायर के, जो कि एक बाथरूम एमिनिटी है बट स्टिल ड्रेसिंग में भी काम आती है, और टिश्यू स्टैंड, काफ़ी अच्छा बनाया है इसको, और अ लग्जूरियस वेल कुशन्ड सीट। यहाँ पे एक थर्मोस्टैट अलग से दे रखा है इस एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और बाहर रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टैट अलग है। मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ, ये हमारा बाथरूम एरिया है। पहला फिक्स्चर बहुत बड़ी सी बेसिन विद हॉट एंड कोल्ड, जैगुआर की फिटिंग्स है बाथरूम एंड बाथरूम एमिनिटीज। इधर आ जाते हैं हमारे सेकंड फिक्स्चर की तरफ, टॉयलेट सीट, ब्रांडिंग नहीं है इसके ऊपर। और ये हमारा थर्ड फिक्स्चर है विच इज द रेन शावर एरिया, और अगेन टॉयलेटरीज फॉर एसेंशियल्स एंड टच किए हैं। और यहाँ पे हैंड शावर नहीं है। इसके अलावा ये है हमारा बाथटब, और मैं ये डोर बंद करके आपको दिखा देता हूँ। बाथरूम्स बहुत ही लग्जरी बाथरूम्स हैं, इस तरीके के
इतनी लग्जरी क्लोथिंग के मैंने लास्ट टाइम लोधी में देखे थे। लेट मी शो यू दिस सेक्शन ऑफ, मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉपर हिम एंड हर में डिवाइडेड है। उसमें आप देखोगे तो बिल्कुल लेडीज़ टाइप से उन्होंने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। जो हेयर ड्रेसिंग एरिया, जो ड्रेसिंग एरिया उन्होंने डिज़ाइन किया है वो बिल्कुल शी के हिसाब से। यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल इसको मेल लुक दिया हुआ है। पहले मैं आपको ये सेक्शन दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने एक लगेज टाइप का स्पेस दे रखा है। और नीचे अगर मैं ड्रॉअर की बात करूँ, थोड़ा सा टाइट है, तो यहाँ पे इन्होंने पिलोज दे रखे हैं एक्स्ट्रा, और ये दो अलग टाइप के कुशन्स हैं। नेक पिलो नहीं है ये, बट छोटा कुशन। यहाँ पे आप अपने आप को ड्रेसअप होने के बाद देख लीजिए। एक फुल साइज मिरर दे रखा है अकॉर्डिंग टू एनी हाइट। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग कोट्स वगैरह हैंग करने के लिए हमारा ये सेक्शन है, और ये पूरा स्टोरेज स्पेस है। शर्ट पैंट जो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस तरीके से प्लेस करना है। हैंगर्स अगेन दे आर जस्ट नॉर्मल हैंगर्स। ये जो हमारा विंग है जिसमें हम रुके हुए हैं, इसको हेरिटेज विंग कहते हैं। इसमें दो स्वीट्स हैं और तीन पैलेस रूम्स हैं। फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम माउंट बेटन वॉज द गेस्ट हियर, तो इसी हेरिटेज विंग में जिस स्वीट में वो रुके थे उसे कहते हैं माउंट बेटन स्वीट। और यहाँ पे जहाँ पे जो हमारा स्वीट है उसमें मानसिंह रुके हुए थे जिसको कहते हैं चंद्र निवास। मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि अगर आप 5 लोग आ रहे हैं या फिर अपने मल्टीपल रूम्स बुक करना चाहते हैं तो ये पूरा विंग आप बुक कर सकते हैं। 2 suites, 3 rooms, 2 families टुगेदर या फिर एक एक्सटेंडेड फैमिली पूरे ग्रुप के लिए, दिस इज़ द विंग विच आई विल सजेस्ट टू यू। तो अगर आप कभी आते हैं देन प्लीज़ आस्क कॉन्शियस टू ऑफर यू दिस पर्टिकुलर विंग। लेट मी शो यू द बेसिक रूम कैटेगरी नाउ। इसको पैलेस रूम कहते हैं। पैलेस रूम गार्डन व्यू के साथ आता है और कोर्टयार्ड व्यू के साथ आता है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी इन चूजिंग द राइट रूम कैटेगरी इन दिस ब्यूटिफुल पैलेस। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद ऑल द अदर डिटेल्स एंड प्राइसेस। एंड जाते जाते टेक अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ द नेक्स्ट पार्ट।